ओके सो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप फेस ग्लो और काफ़ी आसानी तरीके से स्किन स्मूथ कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने उस ट्रिक का यूज़ करके कुछ इस तरह से एडिटिंग किए हैं। अब उस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है एंड कैसे जानना है, तो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और किसी भी पार्ट्स को मिस कर मत करना, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये जो नॉर्मल फोटो को हमने स्केच बुक ऑटोडेस्क को ओपन कर लिए हैं, साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लिए। ओके अब यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी, अब जाके वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि अभी बिल्कुल भी स्किन स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक ऐसा ब्रश बताने वाला हूँ जो कि ब्रश काफ़ी अच्छा ब्रश है स्किन स्मूथ करने के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या है ब्रश, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको ये जो आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको काफ़ी सारा ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नीचे करते हुए नीचे आना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ये जो आर्टिस्टिक का एक ब्रश मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्टिक का ब्रश पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको ये जो ब्रश है, ये वाला जो कोने में है, उस ब्रश का यूज़ करना है। ओके, तो इसका मैं आपको सेटिंग्स आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आपको ये जो स्टैंडर्ड है ये रहा, इसको लेके आना है आपको स्मूथ में। ठीक है, तो ये रहे स्मूथ, देख लीजिए आप आराम से, तो स्मूथ पर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको फॉलो को 1 पर रख लेना है और ये जो लास्ट में है ये स्ट्रेट, इसको रख लेना 29। अब आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपको स्किन स्मूथ करना है उसमें कुछ इस तरह से स्मूथ कर देना है। ठीक है, मतलब कि ड्रॉ कर देना है। तो ओके, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से स्किन स्मूथ हो गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑर्गेनिक भी लग रहा है, ज़्यादा फोटो कार्टून की तरह भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से आप इस तरह से स्किन स्मूथ कर सकते हो। अब आते हैं एडिटिंग में, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये गॉगल्स का कलर भी अच्छा नहीं है एंड यहाँ से आपको लिप्स का भी कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम रेड कलर करेंगे। तो रेड कलर करने के लिए आपको एक लेयर बना के कलर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको लेयर बनाना है एंड यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो कलर का ऑप्शन है देख सकते हो ऊपर में, उसमें से आपको एक रेड कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्क्रीन पर टैप कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको ये जो आइकन है ये रहा, इस आइकन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो प्लस का आइकन है इनमें से आपको क्लिक करके लेयर बना लेना है। तो कुछ इस तरह से आप लेयर क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं ब्रश को चॉइस करते हैं ताकि हम ये जो लिप्स एंड ये जो चश्मे का गॉगल्स है उसमें पेंट कर सके। तो उसके लिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, फिर यहाँ से आपको ये जो ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ब्रश, उसके बाद सेटिंग्स को आप ओपेसिटी को 100 रख लें, उसके बाद साइज को अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गॉगल्स में ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से आपको इतना कर लेने के बाद फिर से लेयर पर आ जाना है, तो ये रहा लेयर का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो ऊपर वाला लेयर है जिसमें ड्रॉ किए थे उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें क्लिक कर देना है, कहने का मैं ये मतलब था। फिर यहाँ से आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा नॉर्मल ब्लेंडिंग, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको मल्टीप्लाई या फिर डार्कन, ठीक है, दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम डार्कन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए अब लिप्स एंड हेयर का ये जो गॉगल्स का कलर काफ़ी अच्छी तरह से हो गया, बट यहाँ से लिप्स का कलर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लिपस्टिक वगैरह है, उससे हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो उसी लेयर पर क्लिक करेंगे एंड इसका ओपेसिटी को कुछ इस तरह से कम कर लेते हैं। ओके, फिर इसे राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी अच्छी तरह से लग रहा है फोटो। अब यहाँ से हम इसे शेयर करेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन में, तो चलिए शेयर करते हैं। तो देख लीजिए स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है।
अब यहाँ से आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है, ये रहा स्नैपचैट का टूल्स। उसके बाद यहाँ से आपको एक सेलेक्टिव टूल का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा देख लीजिए। तो इस टूल का यूज़ करना है आपको, तो चलिए सेलेक्टिव टूल में क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसका ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, ओके। एंड आपको उसी तरह से एक और लेयर बनाने है, ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड इसका भी ब्राइटनेस कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। अब इसके बाद इसे राइट कर लेना है, ओके। अब राइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से टूल्स पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपको एक ट्विन इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा ट्विन इमेज का ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज़ करना है आपको, तो ट्विन इमेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक एम्बियंस मिलेगा, ये रहा देख लीजिए, एम्बियंस को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, ओके। अब इसके बाद इसे राइट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फेस वगैरह में रेड इफेक्ट आ गया है, तो इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको ये जो आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पर आ जाना है। फिर यहाँ से आपको ट्विन इमेज पर क्लिक करके पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद इसे राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से काफ़ी आसानी तरीके से स्किन को ग्लो कर सकते हो और स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आप हाफ एडिटिंग सिखा रहा हूँ। अगर आपको फुल एडिटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।